हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इन्फो ट्यूब में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप किसी भी फ्रेंड का या फिर फैमिली का स्टेटस इस प्रकार से अपने मोबाइल में देख लेते हैं ना, तो उसे पता चल जाता है कि आपने उनका स्टेटस देखा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप को खोल लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे नाम आ गया। जैसे मैंने इस मोबाइल का स्टेटस देखा, इस मोबाइल में नाम आ गया। इसी का सोल्यूशन लेकर के आया हूँ आज की इस वीडियो में। आपको बताने वाला हूँ कैसे जो है आप अपना नाम छुपा सकते हैं। आप किसी भी दोस्त का किसी का भी स्टेटस देखिएगा ना, तो उसके मोबाइल में पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। तो फिर अगर आप भी ये जानना चाहते हैं ना, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये करना एकदम फ्री है। तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो फिर सबसे पहले आपको जो है अपने व्हाट्सएप को खोल लेना है। व्हाट्सएप खोलने के बाद फिर आपको क्या करना है, ऊपर के साइड में थ्री लाइन जो देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर आने के बाद आपको चैट वाला बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पर एक बटन आपको देखने को मिल जाएगा चैट बैकअप, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर बैकअप वाला बटन पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड आप ये कर देते हैं ना, आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, ये वाला जो आपको व्हाट्सएप देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करके जो है इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आपको FM व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल करके OTP डाल करके अपना जो है अकाउंट बना लीजिएगा और जो आपने वहां से बैकअप लिया है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, जिससे जो है आपका पूरा का पूरा चैट वहां से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद से इस व्हाट्सएप में आपको एक सेटिंग करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सेटिंग करना है। अब इस व्हाट्सएप में जो है आपको नॉर्मली उस व्हाट्सएप में आपको कोई भी ऐसा सेटिंग नहीं मिलता, लेकिन इस व्हाट्सएप में आपको काफ़ी सारा फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड आपको जाना है यहाँ पे FM सेटिंग में। FM सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा हाइड लास्ट सीन। अगर आप जो है लास्ट सीन छुपाना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, काफ़ी सारा फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। हमको यहाँ पे क्या करना है, व्हाट्सएप का स्टेटस को हाइड करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है मैं देख लेता हूँ कहाँ पे बटन है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड व्यू स्टेटस, यहाँ पे जो बटन आपको देखने को मिल रहा है। जैसे फ्रेंड इसको आप इनेबल कर देते हैं ना, तो फ्रेंड आप जो है किसी का भी स्टेटस देख लीजिएगा ना, तो फ्रेंड जो है उसको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है एंटी डिलीट स्टेटस, यानी कि कोई बंदा अगर वो अपना स्टेटस डिलीट कर देता है तो भी जो है आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो बटन है, तो सिंपली आपको हाइड व्यू स्टेटस पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको इसका जो है फीचर दिखाता हूँ। अब एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा ये फ़ोन रहा दूसरा फ़ोन, यहाँ पर जो मैं व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूँ, स्टेटस में मैं जो है कुछ भी लगा लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टेटस एक लगा लिया और यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया। स्टेटस लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फिलहाल ये वाला स्टेटस पे जीरो भी हुए। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है, मैंने इस फ़ोन में जो है स्टेटस को देख लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्टेटस को देख लिया। मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो व्यू, मैंने स्टेटस को देख लिया फिर भी यहाँ पर जो है जीरो व्यू बता रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस चल रहा है जीरो व्यू। तो फिर इस ट्रिक को अप्लाई करके जो है किसी भी बंदे का आप स्टेटस देखते हैं तो उसको थोड़ा भी पता नहीं चलेगा कि आपने उनका स्टेटस देखा है। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।